अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने राजभवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दशकों से भाजपा और संघ परिवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण विरोधी रहा है। ये भाजपा का डीएनए है। मोदी सरकार और उत्तराखंड के भाजपा सरकार ने मिलकर देश के संविधान पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण वाले मौलिक अधिकार पर षड्यंत्रकारी हमला किया है। इसका जीता जागता सबूत उत्तराखंड भाजपा सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दी गई दलील है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एससी एसटी वर्गों को संविधान में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ तक यह भी कहा गया है कि ऐसे वर्गों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के प्रति सरकार की कोई संवैधानिक जवाबदेही नहीं बनती। एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसी तरह से हमला कर रही है। साजिश 7 फरवरी 2020 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, और उसमें जो जजमेंट आया उसी को पढ़ के आप लगेंगे कि आरक्षण स्थिति को हो सकता है कि एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी सरकार खुल के विरोध, सरकार के विवेक के ऊपर है कि वो रिजर्वेशन दे या ना दे। ये स्पष्ट रूप से उत्तराखंड प्रदेश के वकील की राय को, दलील को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में चले। प्रभारी पुनिया ने पत्रकार वार्ता में कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में पत्रकार वार्ता कर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी और इसके साथ ही भाजपा के आरक्षण विरोधी चेहरे को बेनकाब भी करेगी। उस विषमता को, गैर बराबरी को खत्म करना होगा, अन्यथा इससे पीड़ित जो लोग हैं कोई संवैधानिक व्यवस्था को समझ सकते हैं। उन्होंने कहा और जो विषमता थी वो आज भी है, पूरी तरह खत्म हुई। वहीं पुनिया के बयान के बाद पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के पास केंद्र सरकार पर आरोप लगाने के अलावा और कोई काम नहीं बचा है। बीजेपी सरकार ने एसटी एससी और ओबीसी वर्ग के लिए जितना विकास और कार्य किया है उतना कांग्रेस ने 50 सालों में भी नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में विरोध के स्वर कांग्रेस के हैं और किसी के नहीं हैं। पूरे देश जानता है और सब लोग जानते हैं कि अगर एससी एसटी के अधिकारों को किसी ने संरक्षित किया है, पहली बार आदिवासी मंत्रालय किसी ने बनाया, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाया, अटल जी ने बनाया, नरेंद्र मोदी ने बनाया। कांग्रेस ने तो कभी पिछले 50 सालों में उनके विकास के लिए कोई काम नहीं किया और इसलिए कांग्रेस हमेशा खाली उनका वोट लेती रही है, उनके विकास के लिए कुछ नहीं। अब कांग्रेस के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा कोई काम नहीं बचा। बहरहाल अब एनआरसी और सीए के बाद देश में जातिगत समीकरण पर राजनीतिक विवाद गर्मा गया है। अब इस राजनीतिक ध्रुवीकरण का आम जनता पर क्या असर होता है, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।